हमारे महाराष्ट्र राज्य के वाल्हे गांव में प्याज बहुत बड़ी मात्रा में होता है। कम से कम 10,000 टन प्याज यहाँ होता है। अब कुछ 2-3 महीने से प्याज का भाव सोने जैसा बढ़ गया है। हमारे यहाँ तो साल भर अच्छा क्वालिटी का प्याज सस्ता मिलता है। जो प्याज हमें 10 रुपए किलो में खरीदते थे, वही प्याज अब हमें 50 रुपए किलो में खरीदना पड़ रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ प्याज का उत्पादन इतना ज़्यादा होने पर भी हमें इतना महंगा खरीदना पड़ रहा है। तुम्हें कांदा कुठून आणलाय? खर्चाचे एवढा कसा आहे? कसा लावलाय कांदा? कांदा 25 रुपये लावलाय। कसा आहे भाव? आणि मार्केटला पाठवताय तो कसा जातो? मंडईला 50 ने गेलाय। तुम्हाला काय वाटतं, सर्वसामान्य जनतेला ही परवडतोय का कांदा घेणं? कांदा बस परवडत नाही मला, पण तू काय जसं असेल तसं दिला पाहिजे। खरेदी करते की नाही? काय विराजत नाही। मग आता बरेचशे लोकांनी खायचं प्रमाण कमी केलंय असं वाटतंय का? नाही वाटत, कारण कमी करायचं का, खायचं तेवढं खावाच लागते। हमारे गांव में खेती में काम करने वाली महिलाओं को रोज 50 रुपए है और प्याज भी 50 रुपए किलो है। उनका एक दिन का रोज तो प्याज खरीदने में ही चला जाता है। जिन लोगों के खेती में प्याज होता है, उन लोगों ने तो बाजार होने के कारण खुद भी नहीं खाते मगर बिकाते हैं। तुमच्या कांद्याला जास्त बाजार मिळालाय, मग आता तुम्हाला कसं वाटतंय? कसं वाटणार आहे देवा, त्याचा खर्च पण केलाय आपण, रोगाने निम्मा गेलेला आहे, त्याच्यामुळे किती 10 पिशव्याऐवजी 4 पिशव्या निघतात, तिथंच पडले। आपल्या इकडे तर सगळ्यात जास्त कांदा असतो, तरी पण इतका महाग झालाय। आता सगळं महाग लागलेच, महाग व्हायला तर काय करायचं गरिबांनी। हमारे गाँव के ज्यादातर लोग अमीर नहीं है। हमारी हर महीने की सब्जी 200 या 250 रुपए में खरीदते हैं। गांव में प्याज का इतना भाव मिलने के कारण जिनके खेती में प्याज है वो लोग तो बहुत खुश है, मगर गरीब लोग परेशान हैं। मैं चाहती हूँ सरकार यही पे हमारे गांव में सरकारी दुकान खोले और यही का प्याज है वो यही गांव वालों को मिले। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वाल्हे गाँव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।